Hi, this is Khushbu with another question on probability. This is question number 8 from exercise 15.1, page 284 from NCERT. It says the distance in kilometers of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. ये 40 engineers का उनके घर से उनकी workplace तक उनके office तक का distance बताया हुआ है. What is the empirical probability that an engineer lives? मैं probability निकालनी है that an engineer lives less than 7 kilometers from her work of place. कि उसका उसके घर से उसके ऑफिस तक का डिस्टेंस लेस देन 7 7 से कम. तो यहाँ पर ऐसे कितने हैं? 1, 2 लेस देन 7 में 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो 9 ऐसे हैं. सो दिस विल बी So first, probability, distance, less than 7 kilometers. की probability हमारे पास 9 upon total is 40. ऐसे 9 engineers हैं और total कितने हैं 40. Engineer lives more than or equal to 7 kilometers from her work or place. या तो 7 हो या more than 7. अभी जो आपने value निकाली है वो less than 7 है. कि 7 से कम कितने वाले हैं. तो बाकी जितने भी बचे हैं वो या तो 7 के इक्वल हैं या 7 से ज्यादा है. तो अगर 40 में से 9 चले गए तो बचे 31. तो हमारे पास कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 ऐसे हैं. तो सेकंड पार्ट में आंसर विल बी 31 बाय 40. थर्ड पार्ट में विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम वर्क ऑफ प्लेस, आधे किलोमीटर की रेंज में. यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं है जो आधे किलोमीटर की रेंज में हो. सो आंसर इज 0/31, दैट मींस 0. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 15.1. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 15.1, पेज 285 फ्रॉम एनसीईआरटी. सो सेज 11 बैग्स ऑफ वीट फ्लावर ईच मार्क्ड 5 केजी एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लावर इन केजीज. सो हमारे पास 5-5 किलो के आटे के बैग्स हैं, 11 बैग्स हैं ऐसे. कुछों का वेट किसी का ये है, किसी में एक्चुअल इतना है, किसी में एक्चुअल इतना है. सो ये एक्चुअल उनका वेट है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 केजीज ऑफ फ्लावर. तो हमने रैंडमली कोई बैग पिक किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें जो आटा है वो मोर देन 5 केजीज उसका वेट है. सो यहाँ पर ऐसे कितने बैग्स हैं उनका मोर देन 5 केजीज वेट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ऐसे 7 बैग. सो प्रोबेबिलिटी बैग कंटेन्स मोर देन 5 केजीज. सो हमारे पास इसमें फेवरेबल ऑप्शंस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड टोटल हमारे पास ऐसे कितने बैग हैं? 11. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 7/11. So this was question number 11 from exercise 15.1. This is question number 12 from exercise 15.1, page 285 from NCERT. It says, a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in air in parts per billion of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. 30 days ka data ye hai. Using this table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.216 any of these days. सो हमारे पास यहाँ से ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन पार्ट्स पर मिलियन और ये हमारे पास है इधर हमें गिवन है नंबर ऑफ डेज. हमारी फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पर सबसे पहले इंटरवल्स हमें स्टार्ट करने हैं इसमें 0.00 से 0.04 के बीच में, क्योंकि 4-4 का डिफरेंस लेते हमें चलना है लाइक दिस. So 00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16. इससे बड़ी वैल्यूज अगर हैं तो उसके आगे लेंगे. सो 0.16 से 0.20 एंड 0.20 से 0.24 ये हमारे पास लास्ट आइटम. सो इनकी फ्रीक्वेंसी 0.04 से 0.00 से 0.04 के बीच में. तो जब हम इस इंटरवल को देखेंगे तो हम इस वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे. ये वैल्यू काउंट होगी इस इंटरवल. इस इंटरवल को देखेंगे तो इसको काउंट नहीं करेंगे, काउंट होगी इस इंटरवल. सो अपर लिमिट हम काउंट अप नहीं करते. सो
इस इंटरवल में ये वैल्यू आएगी एक, दूसरी दो, तीन, देन चार, सो फोर वैल्यूज हैं इसमें, 0.04 से 0.08, सो इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, नाइन वैल्यूज, 0.08 से 0.112, 08 से 0.112, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, नाइन वैल्यूज, 0.112 से 0.16, सो इसमें एक, दो, एक, दो, दैट्स इट, 0.16 से 0.20, एक, दो, तीन, चार, एंड 0.20 से 0.24 ओनली वन वैल्यू. सो अब इसका टोटल देखें तो हमें पता है 30 डेज का, सो वेरी 30 आवेदन करें, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 9 22, प्लस 2 24, प्लस 4 28, 29. सो यहाँ पे एक डे किसी को मिसिंग है, सो 9 प्लस 4 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 6 28, 29. सो एक दिन किसी एक का 0.00 से 0.04 में हमारे पास वैल्यूज हैं, एक ये आएगी, दो, तीन, चार, एंड देन 0.22 दिस वैल्यू एज वेल, क्योंकि इसमें कम हो, सो दिस इज 2. सो ये आ गया टोटल 30. अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 से 0.16 ऑफ एनी ऑफ दीज डेज. सो प्रोबेबिलिटी concentration of SO2 0.12 to 0.16. इसमें कितनी probability है होने की? 12 से 6 में 2. By total is 30. So 2 ones are, 2 15s are. So answer is 1 by 15. So this is the probability. This was 12th question from exercise 15.1. This is question number 13 from exercise 15.1, page 285 from NCERT. It says, the blood groups of 30 students of class A are recorded as follows, which is A, B, O, A, B, O, and so on. Use this table to determine the probability that a student of this class, selected at random, has blood group AB. So, इसका हमने जो टेबल कभी स्टैटिस्टिक्स में से आप बनाते हैं, किसी तरीके से उसको देखकर आपको बताना है कि ब्लड ग्रुप AB आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है. अगर आपने किसी को रैंडमली चूज किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसका ब्लड ग्रुप AB है. तो अगर हम बिना टेबल बनाए उसको देखें, इसकी प्रोबेबिलिटी student has blood group AB. AB blood group होने की probability क्या है? AB वाले यहां हैं कितने? एक ये, दो, तीन. तीन ऐसे हैं जिनका blood group is AB. So that means 3 upon, ये तो हमारे favorable outcomes हैं. Total outcomes we have is 30 students हैं. So this will be 3 ones are the 0. Answer is 1 by 10. So this was question number 13 from exercise 15.1, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.